हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो राजस्थान में कल सामने आया टेप कांड, आज भी उस पर लगातार राजनीति गरमा रही है। दरअसल कल कांग्रेस ने ऑडियो टेप के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा और आज बीजेपी ने टेप कांड को लेकर कांग्रेस से सीधे 6 सवाल पूछे हैं और साथ ही फोन टैपिंग की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बीजेपी ने राजस्थान में आपातकाल जैसे हालात के आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राजस्थान में अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी लगा दी गई है। राजस्थान में फोन टैपिंग की जांच सीबीआई से हो, बीजेपी ने कांग्रेस पर दागे 6 सवाल। एक एक कर उस सवाल हम आपको दिखाएंगे। उन सवालों में बीजेपी की तरफ से पूछा गया है कि क्या राजस्थान सरकार ने आधिकारिक रूप से ये फोन टैपिंग कराई। बीजेपी पूछ रही है अगर फोन टैपिंग हुई तो क्या ये कानूनी संवेदनशील मुद्दा नहीं है। पहले जरा सुनाते हैं आपको किस तरीके से आक्रामक अंदाज में आकर बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या एसओपी फॉलो हुआ, फोन टेपिंग इत्यादि किया गया, क्या संविधान को ताक पे रखा गया, क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है, क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो, यह भाजपा आज डिमांड करती है। डॉक्टर टेप दीजिए, अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ। ये आरोप लगाते हैं कि मैंने ऑफिस में टैप बनाई है। अगर ये साबित हो गया तो बिल्कुल मुझे क्या अधिकार है, अगर मैं झूठी टैप बनवाऊ लोगों की अपने हित के अंदर सरकार बचाने के लिए, तो मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं सरकार में बना रहूं। तो आप ये बताएं सर कि जब शेखावत साहब कह रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं है तो किस दम पर फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि जब वो है ही नहीं तो फिर सचिन पायलट उनके साथ मिलकर के सरकार गिरा, इस कॉन्स्पिरेसी को एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? सचिन पायलट, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके खिलाफ सबूत है? सबूत अपने आप आ चुका है, अब तो चाहिए प्रधानमंत्री जी को या तो इनका इस्तीफा ले शेखावत का या इनको बर्खास्त करे, दो रास्ते हो सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है, मिली भगत कर रहा है और सचिन का भी नाम ले रहा है, सबका नाम आकर बाबूलाल शर्मा हो चाहे वो शेखावत साहब हो चाहे कोई भी हो, जब जिसके माध्यम से बातें हो रही है, इससे बातें छोड़ी आ चुकी है, दावेदारी उन्हीं की है। मेरे साथ देखिए इस समय मेरे सहयोगी मनीष शर्मा जयपुर से मौजूद है, दिल्ली से आदेश रावल, मानेसर से निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद हैं और खास मेहमान मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले हमें मनीष शर्मा के पास चलना चाहिए। मनीष, मामला तो पहले दिन से ही कांग्रेस बनाम बीजेपी का चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में गहलोत बनाम सचिन पायलट चल रहा था, आज बीजेपी के आक्रामक तेवर, अब तो ये सीधे सीधे गहलोत वर्सेस बीजेपी का मामला बन चुका है। जी रोमाना, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि बीजेपी ने जो सबसे अहम आरोप लगाया वो ये लगाया कि क्या राजस्थान में अघोषित इमरजेंसी यानी आपातकाल के हालात हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से चल रहे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो ये बात साफ है कि पिछले सोमवार से राजस्थान सरकार होटल फेयरमोंट से चल रही है, या यूं कहा जाए सरकार का तो कोई काम ही नहीं हो रहा। जितने भी मंत्री और विधायक हैं वो फेयरमोंट होटल में हैं और पूरी कार्रवाई जो चल रही है वो होटलों और कोर्ट के बीच में चल रही है। तो ऐसे में बीजेपी ने ये आरोप इसलिए लगाया। दूसरी बात, ये सीबीआई का जो आरोप बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने लगाया कि उसकी मांग होनी जो की है, उसके पीछे भी मंशा साफ है। एसओजी, जो एटीएस, ये तमाम एजेंसियां राजस्थान सरकार की एजेंसियां हैं। ऐसे में उनका मानना है कि अगर इन एजेंसियों को जांच दी जाती है तो कहीं ना कहीं प्रभावित की जा सकती है। सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और ऐसी मांग करके वो कम से कम, चूंकि केंद्रीय मंत्री का जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है तो वो उनकी मांग एक न्यायोचित लगती है कि जब कोई एक केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल है तो उसकी जांच निश्चित रूप से किसी केंद्रीय स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए। तीसरा सबसे ये बना दिया ना कि भाई फोन टैपिंग हुई कैसे, क्या आधिकारिक तौर पर राजस्थान सरकार ने ये फोन टैपिंग कराई? अगर ये फोन टैपिंग राजस्थान सरकार ने आधिकारिक तौर पर कराई तो नियम कायदों का क्या पालन किया गया? अब मुख्य मुद्दा आदेश रावल यहीं आकर टिकता है कि फोन टैपिंग हुई कैसे। देखिए रोमाना, ये सवाल बिल्कुल लाजमी है क्योंकि परसों रात से ये ऑडियो जो है वो मार्केट में अवेलेबल है
और कल सुबह जब रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तथाकथित ऑडियो मार्केट में आ चुका है, हमें इसका जवाब चाहिए, और उसी ऑडियो के आधार पर आपने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ FIR की। हालांकि इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत लिखा हुआ है, इसीलिए कंफर्म नहीं है। और उसी ऑडियो के आधार पर आप कल गुड़गावा के होटल में उनसे पूछताछ करने पहुंचे विधायकों से। तो अब इस बात को लेकर तो ये सवाल उठेंगे ना कि ये टैप किसने किया, क्या ये SOG ने टैप किया या किसी और ने टैप किया। इस ये जो मामला पूरा सामने आया है रोमाना, इसका जवाब तो गहलोत सरकार को देना ही पड़ेगा कि ये टैपिंग आखिरकार हुई किसकी परमिशन से है। अगर आप किसी का फोन टैप करते हैं तो आपको पहले से ही होम सेक्रेटरी की परमिशन चाहिए होती है और बताना पड़ता है कि ऐसा कौन सा ठोस कारण है कि आप किसी का फोन टैप कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में गहलोत सरकार बैकफुट पे है कि इसका जवाब कैसे दे कि फोन टैप किया किसने। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि गहलोत सरकार यहाँ से बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि आप जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार ये फोन टैपिंग हुई कैसे। और जो बड़ा हमला बीजेपी की तरफ से किया गया, देखिए संबित पात्रा कुछ देर पहले जब सामने आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो उन्होंने कहा कि साहब एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि सोशल मीडिया से आपको मिल रही है ऑडियो क्लिप्स, और दूसरी तरफ आप बाकायदा ये पुष्टि करते हैं कि नहीं ये तो 100% सही है ऑडियो क्लिप्स, इतने आश्वस्त आप कैसे हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर घिरती हुई गहलोत सरकार, बैकफुट पर गहलोत सरकार, जिस तरीके से आदेश रावल हमें जानकारी दे रहे हैं। और बड़ी खबर इस बीच ये भी है कि कल शाम कांग्रेस के विधायकों से पूछताछ के लिए हरियाणा के मानेसर पहुंची थी राजस्थान पुलिस की SOG की टीम। ITC होटल में पहले तो उसे घुसने नहीं दिया गया, लेकिन बाद में जब वो दाखिल हुई तो उसे कोई विधायक वहां पर नहीं मिला, सभी बागी विधायक वहां से गायब हो चुके हैं। दरअसल SOG की टीम को कल शाम होटल के बाहर हरियाणा पुलिस ने रोका था, 1 घंटे की मशक्कत के बाद टीम को भीतर जाने की इजाजत दी गई, और जब टीम भीतर पहुंची तो वहां उसे कोई विधायक नहीं मिला। SOG के मुताबिक ये सभी विधायक आसपास के ही किसी होटल में शिफ्ट हुए हो सकते हैं। सीधे मानेसर लेकर चलते हैं, आपको निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद है। निपुण, कुछ पता चल पा रहा है कि आखिरकार विधायक गए कहां? देखिए, यही बताया जा रहा है कि आसपास के किसी रिजॉर्ट में हो सकते हैं, और यही वजह है कि जो SOG की टीम यहां पर पहुंची थी वो यहां से अभी लौटी नहीं है, गुरुग्राम में ही वो भी रुकी हुई है, क्योंकि वो सुराग लगाने की कोशिश कर रही है कि कहां पर ये विधायक हो सकते हैं। उसे जो FIR उसने दर्ज की है उसमें पूछताछ करनी है, जांच को पूरा करना है, लेकिन ये ITC ग्रैंड भारत होटल, यहां तो कतई कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि कोई विधायक यहां पर अभी भी हो सकता है। यहां पे बकायदा बैरिकेडिंग थी पिछले कुछ काफी दिनों से, अब वो सारी बैरिकेडिंग हटा दी गई है, और होटल के गेट तक दूर तक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुला है, अब किसी के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये अपने आप में संकेत है कि यहां पर कोई विधायक नहीं है। विधायक गए कहां और कब गए, क्या जब SOG की टीम पहुंची थी उसी समय वो भाग गए या निकल गए, माफ कीजिएगा, यहां से उन्हें निकाल लिया गया, या फिर पहले ही जा चुके थे, ये सारी बातें पहली हैं, लेकिन SOG की टीम अभी भी यहां पर बनी हुई है और वो अपनी कोशिशें कर रही है। निपुण, आपसे गुजारिश करूंगी कि जरा दर्शकों को दिखाइए तो ये मानेसर का होटल जहां पर अभी तक ठहरे हुए थे विधायक और अब यहां से गायब हो चुके हैं, जरा दिखाइए ये होटल। जी बिल्कुल, ये ITC ग्रैंड भारत होटल है, ये इसका बोर्ड आप देख सकते हैं, ये 300 एकड़ में फैला हुआ विशालकाय होटल है, और पहले भी मध्य प्रदेश के जब बागी विधायक आए थे तो वो यहां पर रुके थे। ऐसा लगता है कि बागियों की बड़ी पसंदीदा जगह है यहां पर, क्योंकि ये मुख्य शहर से दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है, गुरुग्राम शहर से भी 30 किलोमीटर दूर है, जंगल का और गांव का इलाका है, और ये होटल 300 एकड़ के विशाल काय क्षेत्र में फैला हुआ जिसमें सैकड़ों सूट हैं, जिसमें आराम से कोई बहुत अंदर दूर दूर तक जगह है, गोल्फ कोर्स है। यहां पर रास्ता पूरा रोका हुआ था कल तक, और अब आप ये देख सकते हैं कि रास्ता पूरी तरह से खुल गया है, वो जो गेट, जो लाल छत आपको दिखाई पड़ रही है वो मुख्य गेट है होटल में जाने के लिए, तो वो पूरा रास्ता अब खोल दिया गया है और इस समय बिल्कुल आवाजाही हो रही है। और कल SOG की टीम इसी होटल में पहुंची थी, लेकिन यहां पर एक भी विधायक उनको मिला नहीं, कांग्रेस के बागी विधायक सचिन समर्थक विधायक। अच्छा, अब जब ये मामला सीधे सीधे बन गया है गहलोत बनाम बीजेपी का, आगे मामला किस तरीके से बढ़ेगा ये समझेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ बने, बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजस्थान को लेकर, और सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान प्रदीप जी इस वक्त जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। प्रदीप जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि कल जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कटघरे में केंद्रीय मंत्री को खड़ा कर दिया गया, क्या ये उसी के जवाब में राजस्थान बीजेपी से बात आगे बढ़कर केंद्रीय पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, या अब यहां से खेल और दिलचस्प होने जा रहा है? बिल्कुल रुमाना जी, मुझे अब ये इस आज के वाकये के बाद याद आता है 1988 का किस्सा, जब रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भी फोन टैपिंग का ऐसा ही आरोप लगा था,
उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी जो आज अशोक गहलोत की थी कि मैंने फोन टैपिंग नहीं कराई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बाद में जो है वो आदेश जो डीआईजी लेवल के अधिकारी ने दिया था वो सामने आ गया और रामकृष्ण हेगड़े को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद 97 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया कि किस तरह से टैपिंग हो सकती है। उसमें केंद्र में यूनियन होम सेक्रेटरी या स्टेट में होम सेक्रेटरी आदेश करेगा, जिस अधिकारी को वो अधिकृत करेगा वो टैपिंग करा सकता है। अब सवाल यह है कि ये टेप जो चल रहा है उसको मुख्यमंत्री राजस्थान के कह रहे हैं कि सही है जी। लेकिन उन्हीं की पुलिस जो उनके विभाग के अंदर आती है वो कह रही है कि सोशल मीडिया से मिला, हमको इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ पता नहीं है जी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है, एसओजी कह रही है कि ये कोई गजेंद्र सिंह है, कौन है उसको नहीं पता। तो ये मामला अब आगे बढ़ने वाला है। अगर वो आदेश है, देखिए जो काम उस समय राजीव गांधी सरकार ने किया था अगर आज नरेंद्र मोदी सरकार करती है तो अशोक गहलोत की मुश्किल बढ़ जाएगी। उस समय राजीव गांधी की सरकार ने ये किया था कि ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री वो केंद्र के में आती है, वो आदेश की कॉपी जो है उनको उनके पास जरूर आई होगी जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, अगर टैपिंग हुई है सरकार की ओर से। अगर वो सामने आता है तो अशोक गहलोत को उसके बाद इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। अब यहाँ से देखना दिलचस्प हो जाएगा कि जिस तरीके की लड़ाई अब देखने के लिए मिल रही है कांग्रेस बनाम बीजेपी की, ये सीधे तौर पर बन गई है। यहां से अब अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक मोड में आकर पूछ रही है कि साहब फोन टैपिंग क्या आधिकारिक तौर पर राजस्थान सरकार ने कराई, इसका जवाब दीजिए, सीबीआई जांच करवाई।